मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। राज्य में बड़े पैमाने पर कोरोना तस्करी हो रही है, उस पर लगाम लगाने के लिए आज रांची के कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय में भुवनेश्वर प्रसाद मेहता के अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने कहा कि सरकार और प्रशासन की मिलीभगत से ही यह काम हो रहा है। कार्यालय सचिव और रांची जिला के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव अजय कुमार सिंह, राज्य परिषद के सदस्य शंभु कुमार अध्यक्षता, हमारे राजद के उपाध्यक्ष राजेश जाधव जी। आज का मुख्य विषय है कि जो राज्य में बड़े पैमाने पर कोयला की तस्करी हो रही है, हजारीबाग, चतरा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गोड्डा, दुमका में लगातार कोयले की तस्करी 2 महीने से हो रही है। 500 से अधिक ट्रक रोज वो डेहरी ओनसोन और बनारस के मंडियों में जाता है। लगातार ये समाचार पत्रों में भी खबर आ रही है, कभी कभी कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी ये खबर आ रही है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो रही। सारे अवैध कोयला खनन और तस्करी के पीछे प्रशासन और पुलिस का हाथ है। एक एक ट्रक में 30-30 हज़ार रुपया पर ट्रक, 30 हज़ार, 35 हज़ार, 40 हज़ार, जहाँ से कोयला निकलता है वहाँ से पुलिस को मिलता है, जिसमें सभी का हिस्सा है, चाहे प्रशासन के लोगों, पुलिस के बड़े पदाधिकारी हों, सब इनके कोयला चला रहे हैं। अभी हाल में निरसा में अवैध कोयला खनन में ही 50 फीट का चाल धस गया, जिससे एक दर्जन से लोग लगभग मृत्यु हो गई। उसी तरह से धनबाद जिले के महुदा में भी 2 लोगों की मृत्यु हो गई। इस तरह से दर्जनों लोग अवैध कोयला खनन में मारे जा रहे हैं। कोई साइकिल अगर से कोयला ले जाता है तो उसको पकड़ा जाता है, जगह जगह पर उसे पैसा वसूला जाता है, उसकी साइकिल जब्त की जाती है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर जो कोयला की तस्करी हो रही है, प्रशासन बिल्कुल फेल है, पुलिस वाले बिल्कुल फेल ही नहीं, बल्कि उनके मिलीभगत से ही ये कोयले का तस्करी हो रहा है। जितने भी अश्वनारायण के कारखाने हों, दूसरे कारखाने हों, रात में सभी कारखाने में कोयले की ढुलाई होती है, सब कारखाने में कोयले की ढुलाई होती है। कोयला तो वहाँ जाता ही है, अब उसके साथ साथ चूँकि हर जितने भी स्पंज के कारखाने हैं, चाहे दूसरे जो कारखाने जिस तरह से कोयला का उपयोग होता है, सभी को 10,000 टन, 5,000 टन उनको मिलता है, सीसीएल से, बीसीसीएल से, ईसीएल से, अब उसको उसी में तमाम ये कोयला की तस्करी को एक नंबर करके फिर वो कारखाने से वहाँ से चला जाता है बनारस के मंडियों में वो कागज पत्र के साथ। अब रामगढ़ के ही ले लीजिए तो रामगढ़ में झारखंड इस्पात है कारखाना, हरगड्ढा में है, जय माँ छिन्नमस्ती का हेहल में है, फिर वो आलोक इस्पात कारखाना कर्मा सुगिया में है, श्रीराम पावर एंड आयरन स्पंज कुज्जू में है, नया मोर में, रामगढ़ आयरन स्पंज होशी में है। इन तमाम जगहों पर रात में कोई भी जाकर देख सकता है कि लगातार वो सैकड़ों ट्रक हाईवा से कोयला सीसीएल से अवैध खदानों से निकलता है और उसको कोयला डंप किया गया। बीसीसीएल को यही हालत है, ईसीएल को यही हालत है। मैंने कई बार सवाल को उठाया, मैंने पत्र भी लिखा, लेकिन उसका कहीं कोई जवाब नहीं मिला। आज एक तरफ लगभग 100 करोड़ रुपया से ज़्यादा रकम का कोयला हर दिन जाता है, सरकार को भी घाटा इससे है, अलग कोल इंडिया के खदानों से जाते हैं, सारे लोग मिले हुए इसमें, कोल इंडिया के भी कहीं कहीं अफसर, चाहे वो सीसीएल को हों, बीसीएचएल को हों या ICCL को हों, सब लोग कहीं ना कहीं मिले हुए हैं इसमें। नहीं तो रात भर कोयला वो क्यों नहीं रिपोर्ट करते, क्यों नहीं किस करते हमारे कोलेरी से कोयला जा रहा है, चोरी हो रहा है, हाईवा उनके कोलेरी से निकल रहा है, लेकिन वो भी कभी इस पर ध्यान नहीं देते। हम सरकार से मांग करते हैं, मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि कोयला की तस्करी में आपकी सरकार की भी बदनामी हो रही है।
और इस तरह से लगातार मीडिया में, अखबारों में, सब में खबर आ रहा है, फिर भी सरकार कुलकर्णी निद्रा में क्यों है, क्यों नहीं उस पर कार्रवाई करती है? अभी झारखंड के मुख्य सचिव ने एक बैठक किया था, अखबारों में मैंने देखा, सुखदेव सिंह ने, और सभी जिला को उसमें भेजा है कि अवैध कोयला खनन पर कार्रवाई करो। लेकिन दिखावे के लिए एक दो कोयला ट्रक को पकड़ा जाता है, फिर उसके बाद चालू हो जाता है। हजारीबाग आई रामगढ़ में कई दल के लोगों ने, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों, कांग्रेस को, हम लोग खैर मान लीजिए विपक्ष जाएंगे लेफ्ट के लोग, लेकिन उन लोगों ने भी हल्ला किया, हंगामा किया। जब कर्मा सुगिया में कोयला गिर रहा था तो वहाँ भी आलोक स्पंज आयरन फटके हैं उसमें, तो वहाँ हल्ला किया, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा, किसी पर कोई असर नहीं पड़ा। हम समझते हैं कोयला की तस्करी जो बड़े पैमाने पर हो रहा है, मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करें, या झारखंड के मुख्य सचिव DGP हस्तक्षेप करें, और जो कोयला तस्कर हैं, जो माफिया हैं, उस पर उचित कार्रवाई करें। हम लोग लगातार इस पर आंदोलन करने का भी तय किया है और शुरू करेंगे, वैसे प्रकरणों में शुरू हो गया है, और भ्रष्टाचार कई मामले हैं जिसको लेकर के जमीन कुल सामने, उसके साथ साथ कोयला की तस्करी पर भी रोक लगाए, इसके लिए हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया है। भाजपा लगातार इशारा कर रही है मुख्यमंत्री के साथ में, मैं जो साफ साफ कहना चाहता हूँ, अभी जिस बात को मैं बोला कि मीडिया में, अखबारों में इस चर्चा आ रही है लगातार, अभी जो निरसा में 50 फीट का कोयला धसान धस गया, एक दर्जन लगभग हमारे के किसी अखबार में 10 है, किसी में 12 है, किसी में 13 है, ये तो सब लोग जानता है, मुख्यमंत्री भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। इसके बावजूद भी, महोदय में दो लोग की मृत्यु हो गई, इसके बावजूद भी कोयला खनन जारी है, तो सरकार उसके लिए दोषी है, मुख्यमंत्री भी इसके लिए जिम्मेवार है। इसीलिए मैंने कहा मुख्यमंत्री से बात करूंगा, इस पर रोक लगाने के लिए उनसे मांग करूंगा, बात करूंगा। चतरा का टंडवा हो, दुमका का सिकारी पड़ा, अपने रात की बात के दिन हजारों और सैकड़ों ट्रक निकलते हैं कोयला, पाली में मगध से झारखंड के संथाल परगना की बात कर रहे हैं, वहाँ पे सैकड़ों ट्रक दिन में निकलते हैं, एक पैसा मेरे पास विजुअल भी है, जो पैसे देके टोकन देके निकलते हैं, और तीन चार चेक पोस्ट आता बंगाल क्रॉस करने के लिए, पुलिस वहाँ मौजूद होती है, पुलिस तो कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आप लोग इस मुद्दे को लेकर क्या करना चाहेंगे? नहीं, हमने कहा अभी तो आपके बीच में भी कह रहा हूँ, मैंने कहा है कि कोयला तस्करी जो अन्य मामले भी हैं, एक हमारे पर मैं आऊँगा सप्लाई फॉरन सप्लाई, इस तरह मैंने मामले को लेकर के कम्युनिस्ट पार्टी ने हर प्रखंड में अभी प्रदर्शन धरना शुरू किया है, हम जिला में करेंगे, और हम लोगों ने मई में महीने में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने तय किया है कि राज्यव्यापी महारैली हम मोराबादी के मैदान में मई महीने में करेंगे, एक साथ तुरंत नहीं हो सकता है, लेकिन अभी प्रखंडों में शुरू किया है, जिला मुख्यालय में करेंगे मार्च में, और मई महीने में पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि कोरोना के चलते दो साल जरूर है कि हम लोग भी थोड़ा शिथिल पर गए आंदोलन वगैरह में, इसको जारी करने के लिए हमने फैसला लिया है, सब जगह आंदोलन शुरू हुआ, इसको हम लेकर के प्रखंड से लेकर के राज्य तक हम लोग वहाँ रैली करेंगे, और उसके बाद भी नहीं कुछ होगा, नहीं सुना नोट कर लिए, केवल कोयला का तस्करी भाई कई सूच में है, जिस पर आज के बारे में भ्रष्टाचार जो है इतना करप्शन इतना जोर बढ़ा हुआ है कि उस पर भी सवाल तमाम सवालों को लेकर के हम लोगों ने आंदोलन करने का फैसला लिया है। अब जाएंगे मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे, राज्यपाल के यहाँ जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे, नहीं कुछ होगा तो आंदोलन ही हमारा रास्ता है, दूसरा और कोई रास्ता नहीं। और जो आप कह रहे हो सच्ची है बात है, हम जानते हैं अमरपाली मगध वो दुमका में 18 खदान, आप ही का अखबार और मीडिया वालों ने कहा 18 खदान का वो बताया है कि कैसे प्राइवेट खदान चल रहे हैं, कैसे सैकड़ों ट्रक कोयला दुमका से निकल रहा है, ये हम तो TV भी ही देखे हैं, आपको अखबार में देखे हैं, दूसरा मतलब मैं जाता हूँ वहाँ तक देखा नहीं, मैं देखा, इसलिए इस पर हम लोग आंदोलन भी करेंगे, बात भी करेंगे, और हम लोग आंदोलन भी करेंगे। पुलिस के सामने इस तरह से घटना घट रही है, मैंने बताया कि पुलिस क्या लगता है, पुलिस के चलते ही नाम कामयाबी कही है, पुलिस की मिली भगत के चलते ही कोयला की तस्करी हो रहा है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।